हाई फ्रेंड्स इनके नाम वीडियो मिनि थेटर कंप्लीट इंटीरियर वर्क एप्ली पड़ना अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पाकपो वीडियो कोल इन स्क्रीन पाकूद मिनि थेटर एक्चुअल फोटोस प्राजेक्ट कास्ट पाती कास्ट ऑफ दि वर्क पाती नियरली 14 लैक्स थेटर साउंड सिस्टम्स लाइक स्पीकर प्रोजेक्टर कास्ट पाती नियरली 1.5 लैक्स वो ब्रांड पाती यमहा अड़ता सोफाव सीटिंग कैपासीटी पाती 40% अट्ठ टाइम उ मूवी वाच पड़ना नेक्स्ट पाती थेटर मेन कॉन्सेप्ट वो सउंड वो पासकूड़ा अवक सउंड वह केकूड़ा सो अंत कॉन्सेप्ट वे नम्बर थेटर इंटीरियर वर्क पड़ो वाल फे नम्बर साउंड प्रूफ वाल पेनल पड़ो सो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसा नांगे एप्डी वर्क पन्नों अभी ना एक्सप्लेन पड़े सो फर्स्ट ऑफ ऑल नम्म सिविल वर्क स्टार्ट पन्नीरनो सिविल वर्क फर्स्ट वर्क पाती ब्रिक वर्क पन्नो सो निंगे थिएटर ला पातिरुपींगे फर्स्ट रो सीटिंग पाती लोवा इरुक्कुम अदुक्कु अडुत्ता दा नेक्स्ट नेक्स्ट रो पाक्कुम्बोदु ओरु ओरु सीटिंग वंदु राइस आगिट्टा पोवुम सो अंद कॉन्सेप्ट्ल दा नम्म वंदु इंद एरियावुम वंदु नम्म स्टेप वच्चि राइस पन्रोम रईस पड़े अपर नम्बर वो अंत गैपल वो ब्रिक जल्य फिल्लिंग पड़ो फिल्लिंग पड़े मुझे नम्बर एलक्ट्रिकल प्रोवेशन नम्बर स्टेप पता नम्बर स्टेप प्वेशन को अंतटिंग कटे नम्बर मुनाडिये वो एलक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट पड़ो इमेज पाक पाती मूँ पईप रन अन्न आगे पईपल नम्बर फ्लोरी वो एलक्ट्रिकल लाइन वो अटिंग अंड प्वेशन वो मेन को नेक्स्ट पाती फिल्लिंग पड़े फा फ्लोरी वो स्मूत फिनिशिंग पड़ो इं स्क्रीन पाक मारे फ्लोरी वो स्मूत फिनिशिंग पड़ो पड़े वन वी कंपलसरी क्यूरींग पड़ो क्यूरींग पड़ा अ्लोरी वो ना सेट आगे नम्बर स्मूत फिनिशिंग पड़ोना इतने वो नम्बर उडन फ्लोरी लेयिंग पड़ो उडन फ्लोरी लेयिंग पड़े वो फ्लोर वो स्मूत स्मूत एंर अंडुलेन अडन फ्लोरी वो फ्लोरो सेट आई फिक्स आगे सो फ्लोरी अड़ता पाती सीलिंग वर्क स्टार्ट पड़ो सीलिंग वर्क पाती नम्बर डिजन के फॉल सीलिंग चेनलसा रन पड़नों फॉल सीलिंग चेनलसा रन पड़द नम्बर स्पॉट लाइट स्ट्रिप लाइट प्रोवेशन वो एलक्ट्रिकल कॉन्टेक्टिंग सर्दी पड़ो नेक्स्ट वर्क पाती फॉल सीलिंग चेनल फुला रन पड़द वाले नम्बर साउंड प्रूफ पड़े वाल फुला वह अलूमिनियम चेनल 2x2 साइज़ फुला फिक्स पड़नों नहीं इमेज पाता वर्टिकला वाल फुला रन पड़ी पाती अंतमी फोर सैड्स वालस फा नम अलूम चेनल रन पड़नों नेक्स्ट पाती चेनल वर्क कंप्लीट पड़े फाल सीलिंग वर्को जिप्सम बोर्ड फिक्स पड़नों जिप्सम बोर्ड फिक्स पड़े जॉिंटा वो टी पाटेट क्लोज पड़ो नेक्स्ट पाती नम्बर वाल पेनलिंग वर्क कंटिन्यू पड़ो नम आलरे फिक्स पड़ी वो पाती अलूम चेनल अब 2x2 साइज़ वो ग्रिड और ग्रिडा वो नम्बर फिक्स पड़ो अं ग्रिड्ल वो नम राोल और मेटीरियल अना मेटीरियल पाती नम्बर वो सउंड प्रूफ आक्ट आगे उल्ले सउंड वो पास तक अंत राोलो वे सो अोले वो 2x2 साइज़ वो कट पड़ी और ग्रिडल वी फिक्स पड़ो कंप्लीटा फोर सैड्स वाले फिक्स पड़को अद्क मेल वो नम्बर 18mm प्लेवुड कमर्शियल प्लेवुड अद्क मेल फिक्स पड़ी स्क्रू पड़ो स्क्रू पड़ा वर्क कंप्लीट नेक्स्ट वो नम्बर डिजाइन पर्पस फैब्रिक वर्क स्टार्ट पड़ो फैब्रिक वर्क वे राइट साइड पाक पाती आलरे नम्बर फिक्स पड़ी प्लेवुड अद्क मेल वो 18" x 18" साइज़ वो आलरे नम्बर फैब्रिक वर्क से प्लेवुड मेल ईक्वल डिस्टेंस प्लस ईक्वल लाइन उन्होंने अब फिक्स पड़ी वरुण इन स्क्रीन पाक पाती इेपोल 18" x 18" साइज़ और फैब्रिका तनि तनिया रेडी पड़वा अंत फैब्रिक एपी रेडी पड़वा अब पाती फर्स्ट वो 6mm प्लेवुड वो 18" x 18" कट पड़पा अद्क मेल वो 25mm थिक्नस फोम वो पेस्ट वे फिक्स पड़वा अदक अदल वो फैब्रिक तुणिया वो अद्क मेल मड़ी स्टेबलर पड़ी कंप्लीट पड़वा इतमारी फैब्रिका तनि तनिया रेडी पड़ी நம்ம வந்து ப்ளைவுட் மேல அப்படியே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல ஈக்குவல் லைன்ல ஒவ்வொன்னு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த வர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஷியர் அண்ட் கர்டைன் வர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அதாவது நம்ம ஃபேப்ரிக் வராத இடத்துல வராத வால்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்டைன் கொடுக்கணும்
கர்டைன் எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு நம்ம டிசைன் அண்ட் அப்பியரன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் அந்த கர்டைனை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ளோரிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த ஃப்ளோரிங் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா உடன் ஃப்ளோரிங். அந்த உடன் ஃப்ளோரிங் ஒரு ஒரு டைலோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.5x6 சைஸ் வரும். அது எப்படி லேயிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் ஃப்ளோரில் வந்து 10mm திக்னஸ் உள்ள ஃபோமை வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே விரிச்சிடுவாங்க. விரிச்சிட்டு ஒரு ஒரு டைல் பீஸாக வந்து அப்படி லாக் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைலை வந்து லெவலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்தடுத்த டைலை ஜஸ்ட்டு லாக் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸிங் மாதிரி இருக்கும். அதை ஒரு டைலுக்கு மேலே இன்னொரு டைல் வந்து லாக் பண்ணுவாங்க. லாக் பண்ணிவிட்டு கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது உடன் ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ரொஃபைலை கார்னர் கரெக்டாக மேலே வச்சு அதுக்கு மேலே 1 inch நெயில வந்து மேலே அடித்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்ததாக வந்து அந்த ப்ரொஃபைல் கீழே வந்து நம்ம ஸ்டிப்லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸ்டிப்லைட்டை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு ஃபெவிக்விக்கை வச்சு அந்த ப்ரொஃபைல் கீழே வந்து அப்படி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஸ்டிப்லைட்டுக்கு எப்படி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் லைன் எடுப்போம்னா, நம்ம ஆல்ரெடி பிரிக் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம குவாண்டிட்டின்னு கொடுத்துருந்த பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து வயரிங் பண்ணி ஸ்டிப்லைட்டுக்கு வந்து நம்ம லைன் எடுத்துக்கணும். அடுத்ததாக இன்னர் ஒர்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சோஃபா ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சோஃபா ஒர்க் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ இமேஜில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அதாவது ஒரு ஒரு சோஃபா பார்த்திங்கன்னா 3-seater சோஃபா வரும். இந்த சோஃபா எப்படி மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளைவுட்டில் அந்த சோஃபாவோட ஸ்ட்ரக்சரை ரெடி பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து எலாஸ்டிக் பேண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இமேஜில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஃபோமை வந்து அதுக்கு மேலே டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபோமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா லெதர் ஃபேப்ரிக் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி ஸ்டாப்லர் பண்ணி வெளியில் தெரியாமல் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு ஒரு டிசைன் பர்பஸ்க்காக சிஎன்சி ஜாலி ஒர்க் பண்ணும். அது எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, 18mm பிளைவுட்டில் வந்து லேமினேட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடணும். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு சிஎன்சி கட்டிங்க்கு அனுப்பிச்சி விட்ருணும் ஃபேக்ட்ரிக்கு. அதை அனுப்பிச்சி ரெடியாகி வந்ததுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி நம்ம வால் பேனலிங் பண்ண இடத்துல ஃபேப்ரிக் வந்து அந்த இடத்துல மட்டும் கட் அவுட் பண்ணிடணும். அதாவது நம்ம சிஎன்சி டிசைன் ஜாலி ஒர்க் வர இடத்துல வந்து ஃபேப்ரிக்கு ஒர்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் அந்த இடத்த அப்படி பிளெயினாக விட்டுடணும். விட்டுட்டு இந்த சிஎன்சி ஜாலியை வந்து 4 sides ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஸோ எல்லா ஒர்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம டிவிடி பிளேயர், கேசட் அண்டு லேப்டாப்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பிளைவுட்டில் ஸ்டோரேஜ் ரெடி பண்ணி அதை ஸ்க்ரீன் கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபைனலாக ப்ரொஜெக்டர் ஃபிக்ஸிங், ஸ்பீக்கர், ஆம்ப்ளிஃபையர் இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் செட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். ஸோ ஃபைனல் அவுட்புட்டாக மினி தியேட்டரோட வீடியோ பார்க்கணும்.